मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने BRTS कॉरिडोर को हटाने के आदेश दे दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के इस फैसले पर राजनीति तेज हो चली है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने सरकार के इस फैसले पर एक तरफ तो खुशी जताई, उनका स्वागत किया, वहीं इस दौरान सरकार से एक अजीबोगरीब मांग कर डाली और मांग भी ऐसी जिससे सीधा सवाल उठा शिवराज सिंह चौहान पर। बता दें, BRTS हटाने के मोहन यादव के आदेश के बाद विपक्ष ने एक तरफ तो इसका स्वागत किया, वहीं दूसरी तरफ पूर्व की BJP सरकार पर सवाल भी उठाए। हालांकि इस पूरे फैसले का स्वागत सभी ने किया। जबलपुर में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी BRTS कॉरिडोर पर कहा, अगर बेहतरी के लिए किसी काम पर पुनर्विचार करना हो तो किया जा सकता है, इसमें कोई भी गंभीर बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा लगता है कि BRTS कॉरिडोर से जनता को असुविधा हो रही है तो उसे हटाया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने 26 दिसंबर को भोपाल की सड़कों से बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि BRTS हटाने का फैसला किया। इस आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में निर्वाचित प्रतिनिधियों की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है कि भोपाल की सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए यानी कि दुरुस्त करने के लिए BRTS को अब हटाया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन बसों के लिए समर्पित लेन निर्धारित करने के लिए BRTS को पहले बनाया गया था। दरअसल BRTS को लगभग 15 साल पहले भोपाल में लागू किया गया था। घनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरने वाले इसके एक बड़े हिस्से को पहले ही हटा दिया गया था। अब सरकारी विज्ञप्ति में ये कहा गया है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि BRTS को हर जगह की सड़क से यानी कि सभी सड़कों से हटा दिया जाना चाहिए। इस मामले में कांग्रेस अब शिवराज सरकार को जमकर घेर रही है। मामले में विवेक तनखा ने पहले CM मोहन यादव के फैसले की तारीफ की, उसके बाद शिवराज पर सवाल खड़े कर दिए और जांच की मांग तक कर डाली। नौकर शाह के शौक ने यह जन असुविधा रची थी, उसकी समयबद्ध तरीके से जांच की जाए। राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने आगे कहा, इसमें करोड़ों के पब्लिक फंड्स का वेस्टेज हुआ है, आपसे उम्मीद है कि आप जांच के आदेश जरूर देंगे। राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने अपने एक्स पर लिखा, बधाई हो CM मोहन यादव, एक बहुप्रतीक्षित निर्णय के लिए बस एक टाइम बाउंड इंक्वायरी की जरूरत है कि नौकरशाह के शौक ने यह जन असुविधा रची और इससे किसको फायदा पहुंचाने के लिए यह काम किया गया, करोड़ों के पब्लिक फंड्स का वेस्टेज किया गया। उन्होंने आगे कहा कि आपसे उम्मीद है आप जांच के आदेश जरूर देंगे। ये कहानी इंदौर में भी रची गई, जन असुविधा के लिए मध्य प्रदेश के नौकरशाह जिम्मेदार हैं, यह एक प्रकार से जन पाप था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों से BRTS को हटाया जा रहा है, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, जो भी आप सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। VK न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।